हम अगर अखिलेश के भक्त हैं, हम यादव हैं, तो उन्हीं के पक्ष में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, वैसा भक्त हो ऐसा मतलब एक तरह से मानिए राम लखन, मोदी राम और योगी अखिलेश, योगी लखन लखन। हम लोग शुरू से बहुत संभाले और शुरू से मोदी जी को ही वोट दिए और देते ही रहेंगे। तो वाराणसी में वोटिंग चल रही है और मौसम अच्छा होने की वजह से वोटिंग में उत्साह भी है और ढेरों लोग, बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने निकले हैं। वोटिंग करके कई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। तो अनिल जी बताइए, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? तो मोदी सरकार है, जो ऐसा आदमी जो काम कर रहा है उसको जिताएंगे हम लोग। मोदी है, ऐसा सिर कहाँ मिलेगा, चला गया तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। जो समझदार है, जो समझदारी है वो आदमी को पहचानता है, उसको नहीं है तो उसके बाद से क्या मतलब। वो आदमी देश के चलाने वाला मोदी ही है, वैसा आदमी कोई नहीं चला पाएगा देश को। कोई भी आएगा तो देश बिक जाएगी। आप कह रहे हैं कि चला गया तो नहीं मिलेगा ऐसा? ना, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, मोदी जैसा आदमी से नहीं मिलेगा जो तो चलाता देश। देख रहे कुछ हो रहा देश में, पूरा हर जगह पूरा एकदम काम ओके है, कोई दिक्कत नहीं काम धंधा में, हर जगह रोड रास्ता कहीं भी देखिए हर चीज अच्छा मिलता है देखने में। धांधली मादली चोर चिनेती कहाँ हो रहा है। तो आप लोग खुश हैं? हम, अरे हम तो खुश, एकदम खुश हैं। लेकिन कहा जाता है उनको हम देखे नहीं है, हम तो भी चाहते रैली में आते हैं, जब सभा में तो हम जाना चाहते हैं, उससे मुलाकात हो जाए, नहीं भेंट हो जाता है, नहीं जा पाते, समय नहीं है इतनी भीड़ में, भेंट होता तो बात करते जरूर उनसे। आप इतने बड़े उनके प्रशंसक हैं? योगी के भी हैं। योगी के भी हैं। तो ये बताइए कि आप यादव बिरादरी से हैं, लेकिन कहा ये जाता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश के समर्थक हैं। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं भैया, जो काम करेगा उसको आदमी देखेगा। हाँ, जो काम करेगा उसी को आदमी पहचानेगा, और किसी दूसरे को पहचान के क्या करेंगे, जो काम नहीं आएगा, जो काम उसको ना खोजेंगे, जो काम लागत भी काम करे। तो काम हो रहा है? अरे काम एकदम हो रहा है, हर जगह काम अच्छा है मोदी की राज में। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। संगीता यादव है। संगीता यादव। तो क्या सोच के वोट करने आई हैं? हम कुछ सोच के नहीं आए, बस इसी तरह आ गए देने के लिए। ये कौन है, आपका पति है? हाँ। ये तो एकदम मोदी भक्त दिखाई दे रहे हैं। हम अगर अखिलेश के भक्त हैं, हम यादव हैं, तो उन्हीं के पक्ष में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अपने बिरादरी का सानी कुछ और होता है। सब लोग अपने अपने बिरादरी में ही शान दिखाते हैं, हमको उनके पे पूरा गर्व है। ऐसी बात नहीं। अच्छा रुकिए, क्या कह रही है? ऐसी बात नहीं है, जो काम करता है उसी का शान होता है, चाहे कोई काम भी बिरादर कर रहे मगर लेकिन कुछ बातें मतलब जनता की कुछ बातें मोती तक नहीं पहुंच रही है। जैसे कि हम दुखी हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। मोती काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात मोती तक नहीं पहुंच रही है। कौन सी बात नहीं पहुंची है? नहीं बताने लगे थे। अच्छा चलिए, जैसे कि जो गरीब वर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी, हम देखिए किसी एक पक्ष की तरफ नहीं है, मतलब कि मोदी सरकार हो, सपा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले तो मेरा नाम अनामिका मौर्य है और मैं मत इसलिए देने आई हूँ क्योंकि जो व्यक्ति दूरदृष्टि का सोचता है, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और हमने ये कर दिया, हमने वन फर्स्ट स्टेप देखा, सेकंड स्टेप देखा, थर्ड स्टेप देखा, नहीं। जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी पॉलिटिशियन का हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, अगर वो दूरदृष्टि की सोचता है और वो सही दिशा में वर्ग करता है तो हमें ऐसे व्यक्ति को आगे पहुंचाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मोदी दूरदृष्टि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी ऐसा नहीं है कि सब किसी ने नहीं देखा है, देखा तो सभी पार्टी ने है, लेकिन मोदी का क्या है कि इन्होंने, मोदी जी ने किया क्या है कि इन्होंने हर वर्ग को चाहे वो छोटे से हो, अब बहुत लोग कहते हैं कि 4-5 किलो का सामान देकर वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बहुत सारे गरीब वर्ग ऐसे हैं जो खाने तक के लिए भी, उनको दो रोटी का भी गुजारा नहीं हो पाता, तो उन्होंने आगे को देखते हुए पीछे को भी सपोर्ट किया है। धन्यवाद। चलिए,
तो बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, आप मोदी जी के प्रशंसक हैं, आपकी पत्नी अखिलेश जी की हैं। इनकी विचार अलग, मेरी विचार अलग। हाँ, इनके मन को कोई कौन जानेगा, हम अपने मन के जानेंगे ना। जो मेरे तो आप अपने मन से, आप अपने मन से वोट करेंगे? हाँ, अपने मन से, सही को सही चुनेंगे। वैसा भक्त आओ, ऐसा मतलब एक तरह से मानिए राम लखन, मोदी राम और योगी अखिलेश, योगी लखन लखन। बताइए, आपके पति तो मोदी जी के हैं, आप? हम नहीं है। हम हाँ, नहीं है मोदी जी के। आप नहीं है? हम लोग शुरू से बहुत संभाले हैं और शुरू से मोदी जी को ही वोट दिए और देते ही रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी भाई हम लोगों की सुनवाई हो जाए कि हम बेटियां पढ़ लिख कर बैठे हैं बेरोजगार, इन लोग का भी तो ऐसी कहीं सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छा। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मेरी बेटी का शादी हो चुका है, उसके पति से कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। और कराने वाली यहाँ जो प्रतिमा है वही है। क्या नाम है आपका? साधना। क्या है मुद्दे वोटिंग के? ग्रीनरी, पेड़ लगे, हरियाली हो, गर्मी बहुत है, इस मुद्दे पर वोट कर रही है। हमारा तो यही। अच्छा, तो किसी ने लगाया, किसी ने लगाया या नहीं लगाया पेड़? अभी लगा रहे हैं, लेकिन और लगे तो अच्छा है, जो भी जीते वो लगाए। पर्यावरण? हाँ, पर्यावरण। चलिए, क्या नाम है? मान्या श्रीवास। क्या है आपके मुद्दे के साथ, क्या सोचकर वोट कर रही हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म्स टू आर, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, और जो राम मंदिर का इशू है वो, आर्टिकल 370 का इशू हो गया, ये सारे इशूज बहुत बड़े इशूज है। और अभी जैसे कल ही रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कि 8.2% समथिंग हो गया है हमारा जीडीपी, मतलब हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ। सो दैट इज अ वेरी मेजर इशू एंड दैट इज वेरी by the government. लेकिन क्या नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं या नहीं? हाँ, तो नौकरी तो मिली नहीं, अगर जिसका स्किल्स है उसको नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आ रही या फिर जो है लोग एकदम बेरोजगार बैठे हैं। अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो लोगों के पास स्किल सेट बहुत ज़्यादा है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्या नाम है आपके? किरण श्रीवास्तव। क्या सोचकर वोट करने आई हैं, क्या है जहन में आपके? सबसे पहले तो देश की सुरक्षा और जो है डेवलपमेंट, यही मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर वोट कर। क्या नाम है आपके? मैं ममता सिंह। क्या है आपके मुद्दे, क्या सोच करके वोट करने निकली हैं? मैं यही सोच रहा हूँ कि ये तो मेरा अधिकार है, मुझे चुनना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। और बस विकास, विकास अच्छा हो रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए। हम बनारस वाले बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत संतुष्ट। आपका नाम क्या है? अजय श्रीवास्तव मेरा नाम है। क्या है वोटिंग का? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राइमरी इश्यूज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप देख भी रहे हैं कि हाईवे, एयरवे, रेलवे, सीवे, ये सारी चीजें बहुत ही एक स्टैंडर्ड स्टेज तक आ चुकी है, जो कि हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश का कोई जो है कि पीएम या सीएम ग्रोथ करता है, नहीं, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ के लोग ग्रोथ करते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है, डेवलपमेंट में हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, ये हमारी बेसिक इश्यू है। लेकिन आपको लगता है महंगाई भी और बेरोजगारी मुद्दा है? इसका मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, आफ्टर पैंडेमिक आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पैंडेमिक में एक बंद सचर की तरह हो गई थी, बंद, एक सारे रास्ते बंद हो गए थे, प्रोडक्शन शून्य हो गया था, और लगभग एक से लेकर 1.5 साल तक ये उत्पादन बंद था। उसके बाद 2 वॉर हुए हैं, जो है यूक्रेन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, और आफ्टर इसराइल एंड हमास के बीच का आप जो है कि वॉर देख रहे हैं, और दुनिया एक अलग तरह के है जब आपका सप्लाई चेन कम हो गई, क्योंकि भारत पहले इकोनॉमी के मैटर में, प्रोडक्शन के मैटर में बहुत पीछे था। आज हम 5वीं ग्रोथ के रूप में भी आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है। अच्छा, ये आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सैटिस्फाइड वोटर लग रहे हैं। बस एक चीज, नहीं, बस एक चीज बोल रहा हूं। यदि कोई भी चीज प्रोडक्ट हो रही है तो वो तथास्तु कहने से नहीं होती, वह उसमें इन्वेस्टमेंट से होता है, और इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होती है। वाराणसी अच्छी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है, चमक रही है, दमक रही है, बम बम हो रही है। चलिए, और भी लोगों से पूछते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहले वोट किया है?
कि पहला वोट है। अच्छा पहला वोट है। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी मिली जो उन्होंने भेजा है फर्स्ट टाइम वोटर्स को? हैं? नहीं मिली। क्या सोचा है वोट करने के पहले? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लोग तो कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और नौकरी की कमी है। नहीं, अभी मोदी जी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सची श्रीवास्तव। अच्छा ठीक है, तो क्या है आप लोगों के मुद्दे? कि आगे एजुकेशन बढ़े, नौकरी आए, बेरोजगारी तो नहीं रही पहले थी, बट अब लोग अपने पैरों पे खुद हैं, जिनके पास स्किल से आगे बढ़ी रहे हैं। अच्छा आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? दिव्या मौर्य। क्या है इस बार आप लोगों का क्या सोचकर वोट किया आपने? इस बार बेरोजगारी मिटेगी। बेरोजगारी मिटेगी कैसे, क्या क्या सोचा है इसमें? लोगों ने कहा है इस बार रोजगार दिया जाएगा, इस वजह से बेरोजगारी, हर बार पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, इस वजह से बेरोजगारी मिटे, पहला मुद्दा यही है। बेरोजगारी है पहला मुद्दा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? राकेश। क्या सोच के वोट किए? अच्छा चलिए, आप मसाला खाए क्या? बूढ़े हो गए हैं। अच्छा तो जा रहा है, अब क्या मदद ले, भगवान की सेवा कौन कर सकता है। ठीक है, सभी सरकार बढ़िया है, जो कर दे वही अच्छा है, सबका मालिक एक। चलिए बहुत जो भी आगे बढ़े। क्या नाम है आपका मैडम? शेखर श्रीवास्तव। आप लोगों ने क्या सोचा, एक ही परिवार है क्या आप सब लोग? नहीं, परिवार एक ही है। हम लोग ने अपने नेशन के लिए वोट दिया है, ताकि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो हमारे इंडिया देश को छुटने ना दे, बस यही सोच के पहले मतदान फिर पढ़ना। तो अभी तक आप लोगों ने जलपान नहीं किया है? नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ये हुआ कि धूप होने से पहले वोट दे ले, उसके बाद हम लोग तब जाएंगे। हाँ। वोट डाल लिया आपने? हाँ, चलिए आपने वोट डाल दिया। क्या है आपके मुद्दे? हमारा मुद्दा केवल वाराणसी से है। वाराणसी एक मुक्त की नगरी है, जहाँ जगह जगह से लोग आके अपना अंतिम समय गुजारते हैं। हमारा सरकार से यही कहना है, जो भी सरकार हो यहाँ, उसका अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा हो, मरने के बाद भी लूट खसोट न हो। यही मुद्दा है आपके? हाँ, मेन मुद्दा ये है, बाकी जीते जी तो लूटेंगे ही, मरने के बाद भी न लूटे आते। तो आपको लग रहा है लोग लूट रहे हैं मरने के बाद? भाई आप घाट पर जाके स्थिति देखिए, आज की परिस्थिति देख लीजिए, जो टेम्परेचर है, जो परिस्थितियां हैं, आप वहां जाके थोड़ा अनुभव। चलिए हम लोगों ने अनुभव किया भी है। आपका क्या नाम है मैडम? नीलू अरोड़ा। नीलू? नीलू अरोड़ा। क्या सोच के वोट किया? बस सफाई वगैरह को देख के हमें संतुष्टि है कि काफी अच्छा इस सब पहलू पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। घर घर आके कूड़ा लेते हैं, पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, और पेड़ पौधों को देख के, मतलब हरियाली पर्यावरण को लेके बहुत संतुष्टि है, जो कि आगे बहुत जरूरी। बदला है क्या वाराणसी? जी बहुत बदला है। चलिए आप आइए। क्या नाम? आ रहे हैं घूमने, आ रहे हैं, इतना सब बदलाव हुआ ही है ना, पहले कहाँ था और अब कहाँ है, गंगा जी को कितना साफ सुथरा कर दिया गया है। चलिए बहुत मुद्दे हैं। आपका क्या नाम है? क्या है यादव जी मुद्दे यहाँ इस बार? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती है, केवल मंदिर और मस्जिद से सब समस्या दूर नहीं हो जाएगी। कहते हैं गरीबी दूर हो गई, गरीबी कहीं दूर नहीं हुई, गरीबी को दबाया जा रहा है और लोगों को झूठे झूठे वादे करके और नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं। चलिए तो ये बहुत सारे लोग वाराणसी के अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर वोट कर रहे हैं, और सब तरह के वोटर हैं। कोई किसी को अच्छा लग रहा है, किसी के लिए बेरोजगारी मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सरकार बेहतर है। वाराणसी से कुमार अभिषेक आज तक।